इस वीडियो पे कोई भी बी स्कूल का प्लेसमेंट रिपोर्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं तो उसका बहुत सारा कंपोनेंट होता है, तो इस कंपोनेंट का बारे में बात करते हैं। तो चैनल को जरा सा सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए एंड जब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोस्त लोगों का बीच में बोलिए वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आपको सब कुछ सबको जानना जरूरी है। तो खास करके हम लोग जब कोई प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं वहाँ पर एवरेज सैलरी देखते हैं, एक तो मीडियम सैलरी देखते हैं। तो एवरेज क्या होता है, मीडियम क्या होता है? तो एवरेज मतलब क्या होता है, आपको देखो हो सकता है कि आपको जो कैंडिडेट है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 500 को 100 ऑफर मिल चुके हैं, मतलब एक एक कैंडिडेट को दो दो ऑफर, या कोई भी एक कैंडिडेट को एक ऑफर, कोई भी एक कैंडिडेट को 3 ऑफर्स मिला है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको 100 ऑफर जो मिला है उसमें आपको एवरेज किया जाता है। तो एवरेज मतलब क्या होता है ना, टोटल कुल मिला के आपको एवरेज, सो दैट इज द एवरेज सैलरी। एंड मीडियम सैलरी क्या है ना, आपको जो मान लो एक कैंडिडेट को दो गो ऑफर मिला है, कोई भी एक कैंडिडेट को 1 गो ऑफर मिला है, तो जो दो गो ऑफर मिला है जिसको, वो जो एक्सेप्ट कर रहा है जो ऑफर, तो उसमें क्या है ना, जो मान लो सपोज उसको 25 लाख का पैकेज ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है एंड 20 लाख का पैकेज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एंड और एक कैंडिडेट है वो 18 लाख का पैकेज एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसका एक ही प्लेसमेंट मिला है। तो 18 + 25 / 2 दैट इज द मीडियन पैकेज। तो इसमें क्या है ना, जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसका बेसिस पे मीडियन ऑफर किया जाता है, मतलब मीडियन सैलरी। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट जब देखना है उसमें आपको मीडियन सैलरी देखना है, एवरेज सैलरी नहीं देखना है। मीडियन सैलरी देखने से आपको टोटल थीम पता चल जाता है। उसके बाद क्या है ना, हम लोग का जब CTC ये देखते हैं 1.23 करोड़, ऐसा बिल्कुल है नहीं कि जे मेरे को भी हर महीना में आपको 8 लाख 9 लाख करके मिलेगा, ऐसा बिल्कुल है नहीं। उसमें क्या होता है ना, आपको हो सकता है कि आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट हो तो अलग चीज़ है, लेकिन नेशनल प्लेसमेंट हो, डोमेस्टिक प्लेसमेंट हो, उसमें क्या होगा ना, आपको हो सकता है कि 55 लाख से आपको मिल रहा है उसी साल को ज्वाइनिंग बोनस, जो ज्वाइनिंग बोनस जो है नेक्स्ट ईयर से आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल हो जाओ, जो ऑडिटेड रिपोर्ट है हर IIM का उसी को देखना है, क्योंकि वो IIM का या आपको कोई भी बी स्कूल का आपको साइट में अपलोड किया जाता है, दैट इज़ द ऑडिटेड रिपोर्ट। उसमें साइन किया होता है और एक सील दिया जाता है, जो कैग और या कोई भी आपको ऑडिटर, उसका जो इंटरनल ऑडिटर है उसको ऑडिट करता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस ऑडिट इज दैट, इसमें क्या होता है ना, एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में घुसाओ, जो आपको देखना है उसको समझना है, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस होता है, कुछ कुछ आपको फर्नीचर या कुछ कुछ आपको खरीदने के लिए कुछ कुछ पार्क्स दिया जाता है, लेकिन क्या है ना, वो जो पार्क्स है जो हर ईयर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ आपको ईयरली मिलता रहता है, तो इसको समझना है। उसके बाद एक चीज़ देखना है हमारा ऑडिटेड रिपोर्ट में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द लोकेशन वाइज पैकेज। मतलब क्या ना, हो सकता है किसी का बेंगलोर में पोस्टिंग हो सकता है, किसी का कलकत्ता में पोस्टिंग हो, या चेन्नई में पोस्टिंग हो, हैदराबाद में पोस्टिंग हो, लोकेशन ऑफ वेरिएशन में आपको क्या होता है ना, पैकेज चेंज होता रहता है, तो वो भी एक तो मतलब क्या है ना, एक तो ऑप्शन है। उसके बाद और एक चीज़ है, हम लोग जब प्लेसमेंट रिपोर्ट में देखते हैं क्या होता है ना, हम लोग हर बी स्कूल का एक तो क्राइटेरिया रहता है हमारा प्लेसमेंट रिपोर्ट को ऊंचाई करके दिखाना, तो ऊंचाई तो बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें आपको 1.23 करोड़ हो सकता है कि एक ही कैंडिडेट को मिला है, लेकिन वहाँ पर दिखाता नहीं है 1.23 करोड़ कितना कैंडिडेट को मिला है, लिखेगा 1%, 2%, एंड 1%, 2% क्या है नहीं है उसका डिटेल्स नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है ना, जो हम लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑडिटेड रिपोर्ट देखने से आपको टोटल पता चल जाता है, एंड खास करके आपको जो वेरिएशन जाता है, जैसे मार्केटिंग सेल्स है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, FMCG गुड्स है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, उसके बाद जनरल मैनेजमेंट है, ये सब जो सेक्शन है, सेक्शन वाइज आपको पैकेज वेरिएशन होता है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको एक चीज़ हर हर बार दिमाग में घुसना चाहिए सबको, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दिमाग में जो देख रहा है आप स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में, मतलब क्या है ना, जो प्लेसमेंट रिपोर्ट का एनालिसिस, वो एक चीज़ है, लेकिन क्या है ना, रियलिटी और एक चीज़ है। तो रियलिटी जो है उसको देखना चाहिए, बुझना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, डिटेल्स में दिक्कत होता है ज़िंदगी में, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखो देखो कि 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर जाकर देखोगे कि दैट इज़ अ पैकेज इज ऑलमोस्ट इज 18 to 20 lakhs इज वेरिएशन। तो मीडियम पैकेज या एवरेज पैकेज उसी को ध्यान देना है, हाईएस्ट पैकेज को नहीं देखना है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर जितना मिला था, लेकिन हो सकता है कि इस बार उससे कम हो जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आप घबरा जाओगे तो दिक्कत होता रहता है। तो दोस्त लोगों के बीच में मैसेज शेयर कर दीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक ठोकिए, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या क्या वीडियो चाहिए या क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ में, तो आपको समझ में आ जाएगा। वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।